एपिसोड 178 178। चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है। चरण रज अचर सुखारी हे परम पद के अधिकारी। सो बनु सैलु सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन महिमा कहिय कवनी विधिता सु सुख सागर जह कीन निवासु। पय पयोधित जियवध बिहाई जह सियल खनु राम रहे कहीं सुषमा जसिकानन जो सत्य सहस हो ही सहसानन। सो मैं बरनी कहा विधि के ही डाबर कमठ की मंदर करम मन बानी जाई नसीलु सनेहु बखानी। छीनु छीनु लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह करत न सपने हूँ लखनु चित बंधु मातु पितु
राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरति बिसारी छिनु छिनु पिय बिथु बदनु निहारी प्रमुदित मन हूँ चकोर कुमारी नाहने हुनित बढ़त बिलोखी हर्षित रहती दिवस जिमी कोखी किय मनुराम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय लागा परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवारु पुरंग विहंगा सासु ससुर सम मुनि प्रिय मुनि पर असनु अमीय समकंद मूल पर मयन सयन सय सम सुखदाई लोकप हो ही बिलोकत जासु तेहि की मोहि सक विषय बिलासु जही जन तृण सम विषय बिलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछुन आचर जुतासु लखन जहि विधि सुकुलहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि कहहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनु सिय अति सुखुमानी जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी बिलोचन भरही सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु सीनु सेवकाई कृपा सिंधु प्रभु हो ही धरही कुसम उपिचारी लखिसिय लखनु बिकल होई जाही जिमी पुरुष ही अनुसर परिछाही रघुनंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु लगे पहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहि लखनु अरुष